hello i welcome you all once again to my channel explore education i am dr rashmi singh assistant professor department of education ss khanna girls college university of allahabad And this time i am going to discuss with you all a new topic that is experiential learning methods earlier i have also shared the concept of experiential learning in, with you and in this video i have come i have covered the methods which are come under experiential learning okay तो एक्सपीरियंशियल लर्निंग देखिए आजकल आप कोई भी आर्टिकल पढ़ रहे हो लिख रहे हो सुन रहे हो देख रहे हो तो उसमें आपको एक्सपीरियंशियल लर्निंग का नाम जरूर सुनाई देता है आप एन ई पी ट्वेंटी ट्वेंटी का डॉक्यूमेंट उठाइए आप कोई भी अच्छा डॉक्यूमेंट उठाइए कुछ भी अच्छा कोई लिख रहा है तो वो कह रहा है कि एक्सपीरियंशियल लर्निंग से पढ़ाई कराई जानी चाहिए तो एक्सपीरियंशियल लर्निंग क्या है अनुभव जन अधिगम ये मैं आपसे पहले भी शेयर कर चुकी हूँ इस वीडियो में की बात करनी है लेकिन फिर भी शुरुआत हमको फिर से एक्सपीरियंशियल लर्निंग से ही करनी होगी तो इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म एक्सपीरियंशियल लर्निंग मीन्स लर्निंग लर्निंग बाई डूइंग भाई अगर हम कुछ भी नहीं जानेंगे एक्सपीरियंशियल लर्निंग के बारे में तब भी इतना तो जान ही जाएंगे कि वो लर्निंग जो हमको अनुभव से हो रही है वो लर्निंग जो हमें कुछ करने से मिल रही है वो एक्सपीरियंशियल <coughs> लर्निंग के अंदर आएगा अंडर आएगा एक्सपीरियंशियल एजुकेशन फर्स्ट इमर्सेज लर्नर्स इन एन एक्सपीरियंस एंड देन इनकरेजेस रिफ्लेक्शन अबाउट द एक्सपीरियंस टू डेवलप न्यू स्किल्स न्यू एटीट्यूड्स और न्यू वे ऑफ थिंकिंग ये एंड विलियम्स ने चौरानवे में कहा मतलब कि अनुभव जन्य शिक्षा क्या है कि आप विद्यार्थी को एक ऐसे अनुभव में इमर्स करा दीजिए डुबो दीजिए सराबोर कर दीजिए और फिर उसको इनकरेज करिए कि वो रिफ्लेक्ट करे जो उसको एक्सपीरियंस मिला उस पर सोचे चिंतन करे उससे क्या होगा कि टू डेवलप उससे उसको नया कौशल नया एटीट्यूड और नई तरीके मिलेंगे सोचने के

तो विद्यार्थी यहाँ मोर पावरफुल पोजिशन में आ गया है रोल टीचर का क्या होगा फिर जब ये सब विद्यार्थी करेंगे तो रोल ऑफ द टीचर इन दिस प्रोसेस इज टू फैसिलिटेट रादर देन डायरेक्ट स्टूडेंट्स प्रोग्रेस ये भी हम लोग बहुत बार पढ़ चुके हैं कि शिक्षक की भूमिका यहाँ पे फैसिलिटेटर की होगी सम, हमको डायरेक्ट करनी है हमको डायरेक्टर नहीं है फैसिलिटेटर है यानी कि जो चल रहा है आपको उसी को फैसिलिटेट करना है सुविधाजनक बनाना है

सावधानीपूर्वक चुना है वो रिफ्लेक्शन क्रिटिकल एनालिसिस और सिंथेसिस से सपोर्ट जाते हैं। मतलब हमें सिर्फ एक्सपीरियंस नहीं चुनना है बल्कि हमको रिफ्लेक्ट करना भी है क्रिटिकल एनालिसिस भी करनी है और सिंथेसिस भी करनी है और क्या करना है अकाउंटेबल फॉर रिजल्ट हमको अनुभव इस तरह से उनकी संरचना करनी है जिससे विद्यार्थी इनिशिएटिव ले सके डिसीजन बना सके डिसीजन ले सके और अपने जो भी रिजल्ट आए हैं उसके लिए अपने आप को जिम्मेदार समझे थ्रू आउट द एक्सपीरियंशियल लर्निंग प्रोसेस द स्टूडेंट इज एक्टिवली इन पोजिंग क्वेश्चन एक्सपेरिमेंटिंग क्यूरियस सॉल्विंग प्रॉब्लम एसीबिलेटिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी क्रिएटिव इन कंस्ट्रक्टिंग मीनिंग इसीलिए बात की जा रही है एक्सपीरियंशियल लर्निंग की इतना कि इसमें विद्यार्थी इंगेज रहता है किसमें इंगेज रहता है प्रश्न पूछने में कुछ जांचने में कुछ एक्सपेरिमेंट यानी कि प्रयोग करने में क्यूरियस रहता है उसके मन में उत्सुकता होती है वो सवालों के जवाब निकालता है responsibility वो responsibility को करता है बाई बी क्रिएटिव एंड कंस्ट्रक्टिंग मी तो इतनी बातें एक्सपीरियंशियल लर्निंग के प्रिंसिपल्स के बारे में कही गई और है रिलेशनशिप्स आर डेवलप्ड एंड नर्चर यानी कि जो रिलेशनशिप है उनको विकसित किया जाना चाहिए और उनको नर्चर किया जाना चाहिए So, कैसे रिलेशनशिप किसके किस बीच में स्टूडेंट टू सेल्फ अपने आप से जो आपका रिलेशनशिप है स्टूडेंट टू अदर्स दूसरे स्टूडेंट्स के संग आपका जो रिलेशनशिप है और स्टूडेंट्स टू दी वर्ल्ड एट लार्ज और पूरे विश्व भर में फैले हुए जितने स्टूडेंट्स हैं उन सबके बीच में रिलेशनशिप्स डेवलप्ड और नचर्ड होने चाहिए द इंस्ट्रक्टर एंड स्टूडेंट में एक्सपीरियंस सक्सेस फेलियो एडवेंचर रिस्क टेकिंग एंड अनसर्टेनिटी बिकॉज द आउटकम्स ऑफ द एक्सपीरियंस के नॉट टोटली बी प्र वो कह रहे हैं कि इंस्ट्रक्टर और स्टूडेंट जो है वो अनुभव कर सकते हैं क्या सक्सेस भी असफलता भी एडवेंचर भी रिस्क टेकिंग एबिलिटी भी और अनसर्टेनिटी भी बिकॉज द द आउटकम्स ऑफ एक्सपीरियंस के नॉट टोटली क्योंकि किसी भी एक्सपीरियंस के आउटकम को आप टोटली प्रोडिक्ट नहीं कर सकते हैं टोटली भविष्यवाणी है नहीं कर सकते उसकी कि यही होगा ऑल द टीचर्स प्राइमरी रोल्स इंक्लूड सेटिंग suitable experiences, posing problems, setting boundaries, supporting students, ensuring physical and emotional safety, and facilitating the learning process. इसमें शिक्षक की भूमिका क्या होगी अगर सब कुछ बच्चा ही बता देगा तो कि हम ये तय करेंगे कि कौन सा सूटेबल एक्सपीरियंस है विद्यार्थी के लिए फिर हम प्रॉब्लम उसके सामने रखेंगे कुछ बाउंड्रीज बना देंगे स्टूडेंट्स को सपोर्ट करेंगे फिजिकल और इमोशनल सेफ्टी भी इंश्योर करेंगे और उनके सीखने सिखाने की प्रक्रिया में बाधा नहीं बनेंगे फैसिलिटेट करेंगे What makes a learning experience, a experience, a experience? हमको तो बहुत सारे अनुभव मिलते हैं हम हम बहुत सारे अनुभव देते हैं क्लास में, तो क्या या है, सिखाते हैं तो सिंपल पार्टिसिपेशन इन ए प्रिस्क्राइब सेट ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंसेस डज नॉट मेक समथिंग एक्सपीरियंशियल यानी कि सिर्फ आपको प्रिस्क्राइब सेट हमने दे दिया है उस पर आप मैथ्स uh, मतलब कि सेमी सिंपल पार्टिसिपेशन इन ए प्रिस्क्राइब सेट ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंसेस डज नॉट मेक समथिंग एक्सपीरियंशियल ऐसा नहीं होगा कि किसी एक्टिविटी में हमने पार्टिसिपेट कर दिया सिर्फ इसलिए कहा जाएगा कि हमको एक्सपीरियंशियल लर्निंग मिल गई है नो no.

हमको लर्निंग बाई डूइंग भी करना है लर्निंग बाई एक्सपीरियंस भी करना है तो हमको कंटेंट और प्रोसेस को मिलाना पड़ेगा एबसेंस ऑफ एक्सेसिव जजमेंट अगर हम बार बार कहेंगे कि नहीं नहीं ये ठीक नहीं है आपने ठीक नहीं किया इसको ऐसे करिए वैसे करिए तो ज्यादा अगर जजमेंटल आप होंगे तो ये दिक्कत करेगा बल्कि आप ऐसे जजमेंटल नहीं होंगे तो बेहतर एक्सपीरियंस मिलेगा विद्यार्थी को इंगेजमेंट इन पर्पज फुल हमको ऐसे कार्यों में अपने आप को लिप्त तो रखना है जिस का कोई उद्देश्य हो 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 आज आज बहुत दिक्कत हो आज बहुत दिक्कत रही है है हम हम कष्ट उठा रहे हैं हमारी जिंदगी में कुछ अच्छा नहीं हो रहा की 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 तरफ हमको big picture perspective की तरफ हमको हमको अगर अपना ध्यान ले जाएंगे encourage करेंगे हम अपने students को तो बेहतर होगा क्योंकि सारी की सारी बातें इस बात पर निर्भर कि हमको जो री एग्जाम रिलेशनशिप एंड लर्निंग आउटसाइड वन पर कम्फर्ट जोन्स तो अगर इतना हम कर सकें कि इमोशनल इन्वेस्टमेंट भी बच्चे में आ गया है वो अपनी वैल्यूज को री एग्जामिन करना चाह रहा है तो ये सारी चीज़ें उस अनुभव को एक्सपीरियंशियल बना देती हैं एक्सपीरेंशियल लर्निंग के टाइप्स क्या है एक्सपीरियंशियल लर्निंग कैन भी डिवाइड इंटू टू मेजर कैटेगरीज फील्ड बेस्ड एक्सपीरियंसिस एंड क्लासरूम बेस्ड लर्निंग यानी कि जो भी एक्सपीरियंशियल uh, लर्निंग के प्रणेता है जो इस पर बात कर रहे हैं उन्होंने पाया कि दो मेजर कैटेगरीज इनकी होती हैं पहला तो वो जिसमें कि फील्ड बेस्ड एक्सपीरियंस यानी कि जो मजदूर है वो फील्ड बेस्ड एक्सपीरियंसेस मिलता है एंड क्लासरूम बेस्ड लर्निंग मतलब एक्सपीरियंशियल लर्निंग कैन बी डिवाइडेड इन टू मेजर कैटेगरी फील्ड बेस्ड एक्सपीरियंसेस यानी कि हम जो फील्ड में अनुभव हमको मिलता है यानी कि आप एक्सकर्शन समझ लीजिए टूर समझ लीजिए इस तरीके का और क्लासरूम बेस्ड लर्निंग यानी कि कक्षा कक्ष के अंदर आप उसको कौन से अनुभव दे रहे हैं यही दो कैटेगरीज है फील्ड बेस्ड लर्निंग इज ओल्डेस्ट एंड मोस्ट स्टैब्लिश फॉर्म ऑफ एक्सपीरियंशियल लर्निंग हैविंग बीन इंटीग्रेटेड इनटू एजुकेशन इन सौ तीस से ही ये कोशिश की जा रही है कि हम एक्सपीरियंशियल लर्निंग के जो फॉर्म्स है उनको हायर एजुकेशन में इंटीग्रेट करें फील्ड बेस्ड लर्निंग इंक्लूड्स फील्ड बेस्ड लर्निंग में आएगा क्या क्या इंटर्नशिप आ जाएगी प्रैक्टिकम जो प्रैक्टिकल होते हैं हम लोगों के कोऑपरेटिव एजुकेशन कैसे आप मिलजुल सीख रहे हैं जैसे थिंक पेयर शेयर आ सकता है कैन मेक अ मल्टीट्यूड ऑफ फॉर्म्स इंक्लूडिंग रोल प्लेइंग गेम्स केस स्टडीज सिमुलेशंस प्रेजेंटेशंस एंड वेरियस टाइप्स ऑफ ग्रुप वर्क यानी कि फील्ड बेस्ड लर्निंग में तो आपको इंटर्नशिप और कोऑपरेटिव एजुकेशन ये सारी बातें हैं लेकिन क्लासरूम बेस्ड एक्सपीरियंशियल लर्निंग में हमें एक्चुअल एक्टिविटीज करनी करानी होंगी जैसे कि रोल प्ले करा सकते हैं आप गेम्स खिलवा दीजिए सिमुलेशन की एक्सरसाइज करवा दीजिए एंड वेरियस टाइप्स ऑफ ग्रुप वर्क ये सब मिलकर आते हैं एक्सपीरियंशियल लर्निंग में उसमें से भी कौन से क्लासरूम बेस्ड लर्निंग में है ना तो अब अब आती है बात एक्सपीरियंशियल लर्निंग मेथड्स की वो कौन से मेथड्स हैं जिनको आप एक्सपीरियंशियल लर्निंग मेथड्स की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं पहला है स्मॉल ग्रुप डिस्कशन दिस मेथड यूजेस द लर्नर्स पास्ट एक्सपीरियंसेस इन वेरी डेलीबरेट मैनर ग्रुप पार्टिसिपेशन फॉर्म्स बेसिस फॉर्मिस की ग्रुप डिस्कशन हम समूह में डिस्कशन करवा रहे हैं तो क्या हो रहा है कि हर विद्यार्थी बोल रहा है इंगेज है उसकी एक ड्यूटी सेट है और उसको जो भी अनुभव मिल रहा है हमको बस उसको ये सिखाना है कि उस पर उसको रिफ्लेक्शन देना है तो ये एक मेथड हुआ दूसरा मेथड केस स्टडी है दी केस स्टडी मेथड इन्वॉल्व द यूज ऑफ अदर्स रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस यहाँ पे ये अपने लाइफ एक्सपीरियंस के बारे में नहीं बल्कि दूसरों के लाइफ एक्सपीरियंस के बारे में सोच रहे हैं और सोच के लिखने की बात है विच आर रिफ्लेक्टेड अपॉन एंड एनालाइज बाई द लर्नर लर्न इट टू एक्सट्रैक्ट और अराइव एट न्यू लर्निंग प्रिंसिपल्स दीज एक्सपीरियंस मे बी सोर्स फ्रॉम एन इंडिविजुअल ग्रुप एन ऑर्गेनाइजेशन और पर्टिकुलर कंटेक्स द लर्नर्स ओन एक्सपीरियंस वैल्यूज एंड फीलिंग्स फ्रॉम

है ना यहाँ पे विद्यार्थी को ये अपॉर्चुनिटी मिलती है कि आपके सामने समस्या दे दी गई आप समस्या के समाधान के लिए सोचिए सोच के बताइए है ना इट इज कॉन्शियस अटेम्प्ट टू एग्जामिन द वेरियस रोल्स प्लेड इन लाइफ एंड इज यूजफुल वेयर पार्टिसिपेंट्स शेयर अ सिमिलर एक्सपीरियंस विच इज डिफिकल्ट टू कम्युनिकेट ड्यू टू इट्स इमोशनल नेचर कब आप रोल प्ले कराइए जब आप पार्टिसिपेंट को ऐसा अनुभव नहीं दे पा रहे हैं जो इमोशनल uh, बहुत तो उसमें चीजें इन्वॉल्व हैं तो हम उनसे रोल प्ले करा दें कि आप रोल प्ले कर लीजिए कि आप उस भूमिका में है तो अपने आप आप उसको अनुभव भी कर लेंगे और उस पर रिफ्लेक्ट भी कर लेंगे दिस प्रोसेस इज देन सब्जेक्टेड टू क्रिटिकल रिफ्लेक्शन उसके बाद हमको क्रिटिकल रिफ्लेक्शन करना होता है फीडबैक देते हैं पार्टिसिपेंट्स सिमुलेशन और रोल प्ले दोनों ही बी में भी कराया जाता है ना तो सिमुलेशन और रोल प्ले में थोड़ा सा डिफरेंस है व्हेन लर्नर्स नीड टू बिकम अवेयर ऑफ समथिंग दैट दे हैव नॉट बीन वेरी कॉन्शियस ऑफ और व्हेन वेन सिचुएशन इन्वॉल्व्स कॉम्प्लेक्स डायनेमिक्स व्हिच कैन ओनली बी अंडरस्टूड थ्रू एन इमीडिएट हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस सिमुलेशंस आर यूज्ड है ना यानी <coughs> कि को ये सिखाने की आवश्यकता है जिसके लिए वो एक्चुअली बहुत कॉन्शियस नहीं होते तो हैं कि आप उसको उस तरह से अनुभव करने की कोशिश कीजिए विद इन दी कंटेक्स ऑफ ए ट्रेनिंग प्रोग्राम फिर इंस्ट्रूमेंट्स ये क्या है इंस्ट्रूमेंट्स का मतलब आप ऐसे समझ सकते हैं साइकोलॉजिकल टूल्स है, psychological tools है.

कि आप जो क्वेश्चंस थे उनके आंसर को कैसे एक्सप्लेन किया जाएगा इंस्ट्रक्टर्स इंस्ट्रक्शन हमको बताएंगे ये कैसे आप स्कोरिंग कीजिए और स्कोर्स को टैली कीजिए दी पर्पज इज फॉर ईच लर्नर टू जनरेट डेटा अबाउट हर सेल्फर हिमसेल्फ इससे क्या होगा हमारा हमारे हाथ में हमारा डेटा था हमारी हमारी फाइल थी शीट थी और हमको कहीं से कमांड मिल गया कि इसका ये सही है इसका ये सही उत्तर है ये इसलिए गलत है ये उसमें गलत, गलत है तो उससे हमको अपने बारे में सूचना मिल जाएगी दस इन टर्म्स ऑफ द एक्सपीरियंशियल लर्निंग साइकिल्स ऑफ पब्लिशिंग प्रोसेसिंग जनरलाइजिंग एंड अपलाइंग आर डन इंडिविजुअली बाई ईच पार्टिसिपेंट एंड

पार्टिसिपेंट्स हैं जो स्टूडेंट हैं उसको अगर आप गेम्स के थ्रू डिसिप्लिन रखने की कोशिश करेंगे तो ये एक्सपीरियंशियल लर्निंग का बहुत अच्छा एग्जाम्पल हो सकता है और हम कैसे एक्सपीरियंशियल एक्टिविटी को डिज़ाइन करें सबसे पहले हमको पता करना चाहिए कोर्स का कौन सा हिस्सा है जिसको हम एक्सपीरियंशियल लर्निंग मेथड से बेहतर पढ़ा सकते हैं फिर हमको सोचना पड़ेगा कौन कौन सी आप एक्टिविटीज़ कराएंगे

इंटीग्रेशन ऑफ एक्टिविटीज़ कोर्स का, का कोर्स चलाना रहे हैं, तो क्या होगा? हम एक में एक्सपीरियंस जाने वाले हो तो उनके अनुभवों पर रिफ्लेक्शन करा के एक्सपीरियंशियल लर्निंग की जा सकती है जैसे हम क्लास में बहुत सारे प्रोजेक्ट क्लासरूम एक्टिविटीज और एक्सटर्नल एक्सपीरियंस मिला दें और उसको यूज कर ले टाई लेक्चर्स एंड रीडिंग्स विद एक्टिविटीज हमको और रीडिंग्स को एक्टिविटीज़ के संग टाई करना होगा इंश्योर एक्टिविटीज आर चैलेंजिंग मैनेजेबल हमको ये सोचना होगा कि जो भी एक्टिविटीज हमको मिलेंगे वो निश्चित रूप से चुनौती पूर्ण है लेकिन तब भी मैनेज की जा सकती है प्रोवाइड क्लियर एक्सपेक्टेशंस फॉर स्टूडेंट्स हमको जो विद्यार्थी है उनके सामने चित्र स्पष्ट करना होगा कि हम आपसे ये चाहते हैं तब वो उस तरह से रिफ्लेक्ट अपॉन करके कार्यक्रम करेंगे अलाउ स्टूडेंट टाइम टू आइडेंटिफाई एंड कीप फोकस्ड ऑन देयर प्रॉब्लम हमको ये स्टूडेंट्स को अलाउ करना होगा कि उनके पास सफिशियंट टाइम रहे जिससे वो आइडेंटिफाई कर पाए क्लेरिफाई कर पाए और कीप फोकस्ड ऑन देयर प्रॉब्लम और जो भी समस्या है उस पर फोकस्ड रहे

आज ये काम करना है स्टेबलिशिंग कॉन्क्रीट रीज़न एकदम कॉन्क्रीट चित्र हमारे बच्चे के सामने रखना है कि आज आपको इस एक्टिविटी से ये ये चीज़ें करनी है रिफ्लेक्ट अपॉन करना है राइट डाउन करना है एवरीथिंग सेटिंग ग्राउंड रूल्स नियम बनाने बहुत जरूरी है और प्रोवाइडिंग प्रोसेस टूल्स यानी कि जो एक्सपीरियंशियल uh, जो टीचर है उसको ये पता हो कि uh, किस एक्टिविटी में कौन कौन से प्रोसेस टूल्स की जरूरत पड़ेगी और उस हिसाब से उसको तैयारी करनी होगी एंड थिंकिंग एज अ ग्रुप एक ग्रुप की तरह सोचना सिखाना है डिसीजन मेकिंग आनी चाहिए या उसकी ट्रेनिंग Leadership की आवश्यकता है लीडरशिप की जरूरत पड़ेगी प्रॉब्लम सॉल्विंग तो बहुत पॉपुलर हो गया है एंड फीडबैक एंड डी ब्रीफिंग बिकॉज क्रूशियल कॉम्पोनेट ऑफ एक्सपीरियंशियल लर्निंग द इंस्ट्रक्टर मस्ट इंश्योर दैट फीडबैक एंड तो इतनी सारी बातें हैं टीचिंग रिफ्लेक्शन कैसे सिखाया जाए

कि आप स्टूडेंट्स को बताएं कि कैसे रिफ्लेक्ट किया जाता है कैसे लर्निंग को आप डीप कर सकते हैं गहरा कर सकते हैं डू सो मून 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 ये कैपिटल होना चाहिए, ये नाम है आर्टिकुलेटेड टू स्टेज प्रोसेस। ने दो स्टेज की प्रोसेस बताई है, क्या बताइए? स्टेजेंट्सिव राइटिंग एंड आर लेट थ्रू डिस्कशनॉजी सबसे पहले हमको प्रेजेंटिंग रिफ्लेक्शन जिसने रिफ्लेक्ट कर लिया है वो प्रेजेंट करे आके दिसन स्टेज वर्क टू डीप इन दी स्टूडेंट्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिफ्लेक्शन मूविंग फ्रॉम बेसिक टू मोर कॉम्प्लेक्स फॉर्म्स हेर इज इज कैरेक्टर ऑफ दिस बॉल इज आउट बाई मून ने कैसे बताया उन्होंने कहा कि पहला जो स्टेज है वो प्रेजेंटिंग रिफ्लेक्शन

यानी हमको इस तरीके के उदाहरणों का चुनाव करना होगा जिससे कि रिफ्लेक्शन एक्टिविटी और डीपर हो जाए इंट्रोड्यूस एक्सरसाइजेज इन्वॉल्व रिफ्लेक्शन ऑन दी सेम सब्जेक्ट मैटर फ्रॉम डिफरेंट व्यू पॉइंट्स। तो इस तरीके के कैसे हम रिफ्लेक्शन को डीपर कर सकते हैं यही बातें हैं

आपने जो समझा है वो नोट no डाउन करना है स्टूडेंट्स मस्ट क्रिटिकली रिफ्लेक्ट स्टूडेंट्स को क्रिटिकली रिफ्लेक्ट करने आना चाहिए बोथ वायर इट इज वो अनुभव चल रहा है तब भी और उसके बाद भी और फिर हम उस एक्सपीरियंस का कंसेप्चुलाइजेशन निकालेंगे इन एक्सपीरियंशियल लर्निंग लर्निंग इज बेस्ट कंसीव्ड एज ए प्रोसेस नॉट इन टर्म्स ऑफ आउटकम्स इट इज ए कंटिन्यूस प्रोसेस ग्राउंडेड इन एक्सपीरियंस लर्निंग इज ए होलिस्टिक प्रोसेस ऑफ

ये सारी बातें फिर है कि रिफ्लेक्शन आप कैसे सिखाएंगे तो पहले प्रेजेंटिंग रिफ्लेक्शन और फिर डीपर रिफ्लेक्शन पहले रिफ्लेक्शन को प्रेजेंट करना सिखाइए फिर कैसे डीपर कर सकते हैं और सारी बातें किस पर डिपेंडेंट है कि विद्यार्थी को अनुभव देना शिक्षक का काम है उसको स्ट्रक्चर करना पड़ेगा एक्सपीरियंस को और ये तय करना पड़ेगा कि वो उस पर रिफ्लेक्ट जरूर करें चिंतन जरूर करें उस पर अपने विचार जरूर व्यक्त करें उस पर टिप्पणी जरूर दें अदरवाइज क्लास में अनुभव तो हमको मिल ही रहा है लेकिन हम क्या मिस कर देते हैं हम रिफ्लेक्शन पार्ट मिस कर देते हैं सिर्फ अनुभव प्रोवाइड कराते हैं रिफ्लेक्शन नहीं सिखाते हैं स्टूडेंट को इसीलिए रिफ्लेक्टिव जो एक्सपीरियंशियल लर्निंग है उसको हम एक्चुअली अचीव नहीं कर पाए हैं तो एनईपी ट्वेंटी ट्वेंटी कह रही है कि एक्सपीरियंशियल लर्निंग से पढ़ना पढ़ाना बहुत जरूरी है तो हमें पता होना चाहिए कि क्या एक्सपीरियंशियल लर्निंग है और एक्सपीरियंशियल लर्निंग एथर्स क्या है ओके So thank you and don't forget to like and subscribe my channel, Explore Education.